नमस्कार दोस्तों, आप जो है कक्षा 12 रसायन विज्ञान का रासायनिक बलगत की चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको आरहेनियस समीकरण के बारे में बताया गया था, ठीक है, और उसकी व्याख्या किया गया था। आज जो है आपको उत्प्रेरक के प्रभाव के बारे में बताया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, वीडियो को देखने से पहले जो है, ठीक है, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ध्यान दें, उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जिसमें स्वयं अस्थायी रासायनिक परिवर्तन हुए बिना यह अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। तो आप देख रहे हैं कि उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक पदार्थ होता है जिसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। उत्प्रेरक के में कोई भी परमानेंट रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। उसमें बिना परमानेंट, बिना अस्थायी रासायनिक परिवर्तन के वह अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जिसमें स्वयं अस्थायी रासायनिक परिवर्तन हुए बिना यह अभिक्रिया वेग को परिवर्तित करता है। ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे? उत्प्रेरक कहेंगे। वह पदार्थ जो स्वयं अस्थायी रासायनिक परिवर्तन हुए बिना अभिक्रिया वेग को परिवर्तित कर दे, ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे? उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जिसमें स्वयं अस्थायी रासायनिक परिवर्तन हुए बिना यह अभिक्रिया वेग को परिवर्तित करता है। जैसे यहाँ देखें, पोटेशियम क्लोरेट है और यह टूट रहा है आपका पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। यहाँ पे यह MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है उत्प्रेरक का काम कर रहा है। MnO2 निम्न अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर वेग में महत्वपूर्ण वृद्धि करता है। ठीक है, तो यह वेग जो है इस उत्प्रेरक के कारण, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट का टूटना तेज हो जाता है उत्प्रेरक के कारण। तो यहाँ पर MnO2 किसका काम करेगा? उत्प्रेरक का काम करेगा। उत्प्रेरक की क्रिया को मध्यवर्ती संकुल सिद्धांत से समझाया जा सकता है। उत्प्रेरक जो है कैसे अभिक्रिया को तेज कर देता है, इसको आप कैसे समझाएंगे? तो उत्प्रेरक की क्रिया को आप मध्यवर्ती संकुल सिद्धांत से समझा सकते हैं। आइए देखते हैं मध्यवर्ती संकुल सिद्धांत क्या होता है। ध्यान से समझें, मध्यवर्ती संकुल सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, उत्प्रेरक क्या करेगा? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर अभिकारकों के साथ अस्थायी बंध बनाता है। उत्प्रेरक जो है वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और अभिकारक के साथ जुड़कर अस्थायी बंध बनाता है जो कि मध्यवर्ती संकुल में बदलता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि उत्प्रेरक जो है वह अभिकारक से जुड़ जाता है और एक अस्थायी बंध बनाता है जो कि मध्यवर्ती संकुल में बदलता है। इसका अस्तित्व कम समय के लिए होता है तथा यह वियोजित होकर उत्पाद और उत्प्रेरक बनाता है। तो आप देख रहे हैं कि उत्प्रेरक क्या करता है। उत्प्रेरक जो है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के साथ जुड़ जाता है, अस्थायी बंध बना लेता है और बनाने के बाद जो है मध्यवर्ती संकुल में बदलता है। और यह मध्यवर्ती संकुल जो बना है वह बहुत कम ही समय के लिए रहता है और फिर यह टूट जाता है और उत्पाद और उत्प्रेरक अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार, मध्यवर्ती संकुल सिद्धांत के अनुसार, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर अभिकारक के साथ अस्थायी बंध बनाता है जो कि मध्यवर्ती संकुल में बदलता है। इसका अस्तित्व कम समय के लिए होता है तथा यह वियोजित होकर उत्पाद और उत्प्रेरक बनाता है। ठीक है, यह माना जाता है कि उत्प्रेरक एक वैकल्पिक पद अथवा क्रियाविधि से अभिकारकों और उत्पादों के मध्य सक्रिय ऊर्जा कम करके, ठीक है, तथा इस प्रकार ऊर्जा और अवरोध की कमी करके अभिक्रिया पूर्ण कराता है। ठीक है, तो यह भी माना जाता है कि उत्प्रेरक क्या करता है। उत्प्रेरक जो है एक वैकल्पिक पथ बनाता है अथवा क्रियाविधि से अभिकारक और उत्पाद के मध्य जो सक्रिय ऊर्जा है उसको घटा देता है। अभिकारक और उत्पाद के मध्य सक्रिय ऊर्जा कम करता है, एनर्जी बैरियर को कम कर देता है जिससे अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। यह माना जाता है कि उत्प्रेरक एक वैकल्पिक पथ अथवा क्रियाविधि से अभिकारकों और उत्पादों के मध्य सक्रिय ऊर्जा कम करके यौ इस प्रकार ऊर्जा अवरोध में कमी करके अभिक्रिया पूर्ण कराता है। ठीक है, ध्यान से देखें, यह आप देख रहे हैं कि ऊर्जा लिया गया YH पे और XH पे अभिक्रिया निर्देशांक को लिया गया है। यह आपका ग्राफ है सक्रिय ऊर्जा पर उत्प्रेरक का प्रभाव। तो आप देख रहे हैं यह उत्प्रेरक के बिना, यह अभिकारक जो है उत्पाद में चेंज हो रहा है
तो बिना उत्प्रेरक वाला ग्राफ देखें, यह बिना उत्प्रेरक वाला ग्राफ है आपका। उत्प्रेरक के बिना सक्रिय ऊर्जा का मान जो है यहाँ से यहाँ तक है, ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। यह उत्प्रेरक के बिना सक्रिय ऊर्जा, ठीक है, उत्प्रेरक के बिना अभिक्रियापथ यहाँ पे पहुँच रहा है, और जब आप उत्प्रेरक मिला दे रहे हैं तो सक्रिय ऊर्जा घट जा रही है, उत्प्रेरक द्वारा सक्रिय ऊर्जा जो है कमी हो जा रही है, ठीक है, यह डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है। ग्राफ आप देख रहे हैं यहाँ पर पहुँच जा रहा है उत्प्रेरक द्वारा अभिक्रियापथ, ठीक है, और उत्प्रेरक के बिना अभिक्रियापथ, उत्प्रेरक के बिना अभिक्रियापथ ज़्यादा ऊँचा है, लेकिन जब उत्प्रेरक मिला रहे हैं तो सक्रिय ऊर्जा का मान कम हो जा रही है, ठीक है, और अभिक्रियापथ छोटी हो जा रही है, ठीक है। तो यह आपने ग्राफ में देखा कि उत्प्रेरक क्या कर रहा है, एक वैकल्पिक पथ अथवा क्रियाविधि से अभिकारक और उत्पाद के मध्य सक्रिय ऊर्जा को कम कर दे रहा है, और ऊर्जा अवरोध में कमी कर दे रहा है, ऊर्जा अवरोध में क्या कर दे रहा है, कमी कर दे रहा है, और अभिक्रिया को पूर्ण कराता है, ठीक है। आरहेनियस समीकरण से यह स्पष्ट है कि सक्रिय ऊर्जा का मान जितना कम होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। तो आप देख रहे हैं कि सक्रिय ऊर्जा का मान घट गया, तो सक्रिय ऊर्जा का मान जितना ही कम हो जाएगा अभिक्रिया का वेग उतना अधिक हो जाएगा। यह कैसे आप जाने हैं, आरहेनियस समीकरण से। तो आरहेनियस समीकरण से यह स्पष्ट है कि सक्रिय ऊर्जा का मान जितना कम होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं उत्प्रेरक में जाने से उत्प्रेरक के बिना अभिक्रिया का पथ आप देख रहे हैं जिसमें सक्रिय ऊर्जा इतनी है, और जब उत्प्रेरक मिला दे रहे हैं तो अभिक्रिया का पथ आप देख रहे हैं जिसमें सक्रिय ऊर्जा घट चुकी है, ठीक है। अब आप देखें उत्प्रेरक की क्या विशेषताएं होती हैं, स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है उत्प्रेरक की, ठीक है। उत्प्रेरक की लघु मात्रा, उत्प्रेरक की जो है बहुत ज्यादा मात्रा की जरूरत नहीं है, उत्प्रेरक की छोटी ही मात्रा हो, कम ही मात्रा हो, उत्प्रेरक की लघु मात्रा अभिकारकों की बड़ी मात्रा को उत्प्रेरित कर सकती है। उत्प्रेरक की कम ही मात्रा अभिकारक की बड़ी मात्रा को क्या कर सकती है, उत्प्रेरित कर सकती है। उत्प्रेरक की लघु मात्रा अभिकारकों की बड़ी मात्रा को उत्प्रेरित कर सकती है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी में बदलाव नहीं करता है। उत्प्रेरक जो है वह अभिक्रिया के गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी में कोई परिवर्तन नहीं करता है। यह स्वतः परिवर्तित अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, परंतु स्वतः अपरिवर्तित अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं करता है। उत्प्रेरक जो है किसको उत्प्रेरित करता है, जो अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित होती है उनको उत्प्रेरित करेगा, जो स्वतः अपरिवर्तित अभिक्रिया है उस पर उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। उत्प्रेरक की लघु मात्रा अभिकारक की बड़ी मात्रा को उत्प्रेरित कर सकती है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी में बदलाव नहीं करता है। यह स्वतः परिवर्तित अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, परंतु स्वतः अपरिवर्तित अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं करता है, ठीक है। यह पाया गया है कि उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया के साम स्थिरांक में परिवर्तन नहीं करता है। उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया के साम स्थिरांक में परिवर्तन नहीं करता है, किंतु यह साम्य को शीघ्र स्थापित में सहायता करता है। यह साम्य को शीघ्र स्थापित करने में सहायता करता है, ठीक है। तो उत्प्रेरक जो है साम्य स्थिरांक को परिवर्तित नहीं करता है, उत्प्रेरक में आने से साम्य जो है शीघ्र स्थापित हो जाता है। यह अग्र विपरीत दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से उत्प्रेरित करता है। उत्प्रेरक जो है वह अग्र और विपरीत दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से उत्प्रेरित करता है, जिससे साम्य अवस्था अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। तो उत्प्रेरक क्या करता है, अग्र और विपरीत दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से उत्प्रेरित करता है, जिससे साम्य अवस्था क्या होगी, अपरिवर्तित रहती है, परंतु शीघ्र स्थापित हो जाती है। तो आप देख रहे हैं उत्प्रेरक जो है अग्र और विपरीत दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से तेज करता है, जिससे साम्य अवस्था जो है शीघ्र स्थापित हो जाएगी, लेकिन साम्य अवस्था अपरिवर्तित रहेगी, साम्य अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो उत्प्रेरक की विशेषताएं क्या है, उत्प्रेरक की लघु मात्रा अभिकारकों की बड़ी मात्रा को उत्प्रेरित कर सकती है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा में डेल्टा जी में बदलाव नहीं करता है। यह स्वतः प्रवर्तित अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, परंतु स्वतः अपरिवर्तित अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं करता है। यह पाया गया है कि उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया के साम स्थिरांक में परिवर्तन नहीं करता है, किंतु यह साम्य को शीघ्र स्थापित करने में सहायता करता है। यह अग्र विपरीत दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से उत्प्रेरित करता है, जिससे साम्य अवस्था अपरिवर्तित रहती है, परंतु शीघ्र स्थापित हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा उत्प्रेरक का प्रभाव और उत्प्रेरक की क्रिया को
मध्यवर्ती संकुल सिद्धांत। उत्प्रेरक कैसे वर्क करता है इसके लिए आपने देखा मध्यवर्ती संकुल सिद्धांत के बारे में, ठीक है। और इसमें आपको पता चला कि उत्प्रेरक जो है एक वैकल्पिक पथ अथवा क्रियाविधि से अभिकारक और उत्पाद के मध्य सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है, ठीक है, ऊर्जा अवरोध को कमी कर देता है और अभिक्रिया पूर्ण कराता है, ठीक है। इस सिद्धांत बताया गया उत्प्रेरक जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और अभिकारक के साथ अस्थायी बंध बनाता है जो मध्यवर्ती संकुल में बदलता है, और इसका अस्तित्व क्या होता है, कम होता है, इसका अस्तित्व कम समय के लिए होता है और फिर यह वियोजित होकर उत्पाद और उत्प्रेरक में बदलता है, बनाता है, ठीक है ना। ग्राफ में भी आपने देखा है कि उत्प्रेरक के बिना जो है अभिक्रिया पथ इतना था और जब उत्प्रेरक आप दे रहे हैं तब अभिक्रिया पथ कम हो जा रही है। उत्प्रेरक के बिना सक्रिय ऊर्जा का मान आप देख रहे हैं इतना है और उत्प्रेरक में आने पर सक्रिय ऊर्जा का मान घट जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा उत्प्रेरक का प्रभाव और मध्यवर्ती संकुल सिद्धांत, उत्प्रेरक की विशेषताएं। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया का संघट्य सिद्धांत, ठीक है। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।